एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक खुर्जा में स्थित फिरोजपुर गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने सविता देवी को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 4500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 14 किलोमीटर ही है। लगभग 2300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 570 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव की प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 95 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 42 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा एक नल रिवॉर कराया गया है। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 60 विद्युत पोल, 10 ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, 2 खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घर की बाउंड्री व स्कूल में मरम्मत कार्य का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 25 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में 10 प्रधानमंत्री आवास, इज्जत घर, खेल का मैदान, पंचायत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान फिरोजपुर से बॉबी चौधरी, ब्लॉक खुर्जा, जिला बुलंदशहर। उसने पैसा दिया है, ये सरकार 1/2 पैसा नहीं दे पा रही है, और जब पैसा नहीं है तो विकास कार्य नहीं है। हमारे गांव में 20 बीघा स्टेडियम के नाम से जमीन पड़ी हुई है और हम चाहते हैं हमारे यहाँ स्टेडियम बने। दूसरी गांव फिरोजपुर खुर्जा जेवर रोड पे शायपुर कला से खरंजा है 2.25 किलोमीटर, जो 25 साल पुराना है और आज की डेट में जर्जर अवस्था में है। ये फिरोजपुर का दुर्भाग्य है कि आज खरंजे पे चढ़ रहा है, कोई भी काली सड़क लिंक नहीं है फिरोजपुर के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना गांव के लिए अभी तक कोई एक भी मकान नहीं मिला है। शमशान घाट की चार दीवारी के लिए भी अलग से पैसा हमें चाहिए, क्योंकि विकास कार्य के लिए जो पैसा आता है अगर हम दीवार में लगाने लगे तो उसे एक साल में बोंडी हो पाएगी और विकास कार्य नहीं कर पाएंगे फिर हम। पेंशन सभी बंद पड़ी हुई हैं फिलहाल में। सपा सरकार में पेंशन चालू थी। हमारा गांव बीजेपी का कट्टर गांव है, 1200 वोट बीजेपी के लिए हमारे गांव ने दी है, उसके बावजूद भी कोई विकास नहीं है।